मॉर्निंग क्लास. सो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन साइड. ठीक है, ये आपका 6C में है एक्सरसाइज. तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन फैक्ट में कैसे चेंज करते हैं. ये आपके बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. पहले दिया है 8 × 4. तो 8 × 4 = 32. नाउ अब देखिए, ये पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में है. अब इसको डिवीजन फैक्ट में ये कर दिया, 32 को यहाँ लिखा डिवाइडेड बाय 4. नाउ मुझे क्या मिल जाएगा, 8. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. 1 × 6 डिवाइडेड बाय ये वाला और ये, डिवाइड हुआ तो क्या मिलेगा, 1. ठीक, नाउ यहाँ देखिए 4 का 16 से डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाय 16. 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में. 4 ऊपर लिखा, 16 माइनस 0 यानी कितने आ गए, 4. ठीक है, फिर 72 का कर दीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 8. 8 × 72 माइनस 0 नौ कितना आ जाएगा, 9. ठीक, यहाँ देखिए 4 के टेबल में 20 आता है, यस आता है, 4 × 5 = 20 माइनस कर दिया एंड जी. नौ 8 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है, तो 42 से कम क्या आता है, 40 आता है. 8 × 5 = 40 माइनस कर दिया यानी 2 ये बच गया. ये क्या होता है, रिमाइंडर. ये मेरा रिमाइंडर बच गया, ये मेरा क्वाइटेंट है. ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाइटेंट. और ये क्या है, डिवीजर है, जिससे हम करते हैं उसको डिवीजर, और जिसमें करते हैं वो डिवाइडेंड होता है. एक और देख लेते हैं, 5 के टेबल में 33 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 30. कितने टाइम्स में, 5 × 6 = 30 माइनस करेंगे, 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक, बस यही है. इससे पहले मैंने 6A और 6B में बताया था कि नंबर लाइन के थ्रू कैसे डिवाइड करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं. और ये 6C और 6D है. ठीक है, थैंक यू. नाउ अभी देखिए, मैं एक नंबर लाइन के थ्रू भी एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ. जैसे बोलेगा 12 / 4 और ऐसे नंबर लाइन दिया रहेगा. ठीक है, तो 12 / 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए. सबसे पहले 12 बोल रहे हैं, 12 यहाँ है, 4 जंप करना है, तो यहाँ से 4, 1, 2, 3, 4. नाउ पहले हम किस पे पहुँचे, 4 पे, तो एक बड़ा सा यहाँ 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ा सा 4, 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ा सा, यानी हमने +4 + 4 + 4 किया. ठीक है, कितने टाइम्स किया, 1, 2, 3, यानी ये जो बड़ा वाला लूप बना है वो कितने बार बना है, 1, 2, 3. नाउ यानी यहाँ आंसर होगा 3. 12 / 4 = 3 ये आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से आपको बाकी करना है. ठीक है, सो ये 6D तक कर लीजिएगा आप कंप्लीट. फिर उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं एक दो बता दूंगी, उसके थ्रू आप करिएगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.